टीवी एक्टर विकास सेठी नहीं रहे। सिर्फ 48 की उम्र में चल बसे एक्टर। हार्ट अटैक की वजह से नींद में ही मौत। पीछे छोड़ गए दो जुड़वा बच्चे। टीवी की दुनिया से एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक खबर आई है। टीवी एक्टर विकास सेठी 48 की उम्र में दुनिया छोड़कर चल बसे। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। अपने पीछे वो बीवी जानवी और दो जुड़वा बच्चों को छोड़ गए हैं। बता दे, साल 2021 में ही एक्टर दो जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। अभी उनके बच्चे सिर्फ 3 साल के हैं और उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उनके निधन से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं उनकी मौत की खबर से टीवी जगत में भी मातम छा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 सितंबर की सुबह रविवार को उनका निधन हुआ है। विकास की मौत नींद में ही दिल का दौरा पड़ने से हुई। हालांकि अभी तक परिवार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। कुछ सालों पहले ये खबर आई थी कि एक्टर आर्थिक तंगी के चलते डिप्रेशन में है। लंबे समय से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। आपको बता दें, उनका वजन भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया था। विकास सेठी की मौत की खबर ने उनके फैंस और चाहने वालों को सदमे में डाल दिया है। किसी को भी उनके निधन की खबर पर भरोसा नहीं हो रहा। विकास सेठी टीवी के पॉपुलर एक्टर रहे। साल 2000 में वो घर घर में फेमस थे, क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल में उन्होंने काम किया था। इसके अलावा कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की, गीत हुई सबसे पराई, उतरन, ससुराल सिमर का भी वो हिस्सा रहे। इसके अलावा एक्टर ने नच बलिए के 4th सीजन में अपनी पत्नी जानवी के साथ पार्टिसिपेट किया था। टीवी शोज के अलावा विकास सेठी ने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया था। साल 2001 में वो सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने करीना कपूर के कॉलेज फ्रेंड रॉबी का रोल किया था। ये रोल विकास सेठी से पहले जॉन अब्राहम को दिया गया था। जॉन ने कम स्क्रीन टाइम होने के कारण फिल्म ठुकरा दी थी, जिसके बाद ये रोल विकास सेठी को मिल गया था। इसके अलावा विकास ने 2001 में फिल्म दीवानापन में भी काम किया था। आखिरी बार उन्हें तेलुगु साइंस फिक्शनल फिल्म स्मार्ट शंकर में देखा गया था। बताते चले, विकास सेठी की पत्नी जानवी एक एनजीओ चलाती हैं, जो मेंटल हेल्थ इशू पर काम करता है। विकास सेठी कई बार अपनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के कारण चर्चा में रहे। एक इंटरव्यू में विकास ने बताया था कि शादी से पहले वो और जानवी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। एक दिन डिनर करते हुए विकास ने जानवी को अपनी माँ से मुलाकात करवाने को कहा और अगले ही दिन जैसे ही वो उनकी माँ से मिली, दोनों की शादी फिक्स कर दी गई। विकास सेठी अपनी फैमिली में खुश थे, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। वो अक्सर अपनी बीवी जानवी और जुड़वा बच्चों के साथ फोटोज और वीडियो शेयर करते थे। उनका पिछला पोस्ट 12 मई का है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।